दुनिया में कुछ भी एब्सोल्यूट यानी कि पूर्ण नहीं होता, हर चीज तुलना में बड़ी या फिर छोटी होती है। चीन दुनिया की आर्थिक महाशक्ति है, लेकिन अमेरिका के मुकाबले उसकी पोजीशन नंबर 2 है। मुकेश अंबानी या गौतम अडानी भारत के सबसे रईस इंसान हैं, लेकिन ग्लोबल पोजीशन में वो एलन मस्क से काफी पीछे हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई कितना भी बड़ा हो, ये सिर्फ तुलना से ही पता चलता है। ऐसा ही आंकड़ा पिछले हफ्ते आपकी आंखों से जरूर गुजरा होगा। ताइवानी कारोबारी जेनसेन हुआंग की कंपनी एनवीडिया कुछ समय के लिए टेक जॉइंट एप्पल से आगे निकल गई और दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी का ताज अपने नाम कर लिया। एनवीडिया की मार्केट वैल्यू 3.53 ट्रिलियन डॉलर के शिखर तक पहुंच गई, जबकि एप्पल की वैल्यूएशन 3.52 ट्रिलियन डॉलर थी। लेकिन क्या आपको पता है कि 3.53 ट्रिलियन डॉलर कितना होता है? मिलियन बिलियन के ऊपर जाने पर ही आम लोगों का मामला गड़बड़ा जाता है, उस पर यहाँ तो बात ट्रिलियन डॉलर की है। तो आइए हम आपकी मुश्किल थोड़ी आसान कर देते हैं। एनवीडिया या एप्पल जैसी कंपनियों की वैल्यूएशन का सही सही अंदाज आप तुलना करके ही कर सकते हैं। एनवीडिया सिर्फ एक टेक कंपनी है, इसके वैल्यूएशन 3.53 ट्रिलियन डॉलर। वहीं मशहूर पत्रिका फोर्ब्स की ताजा लिस्ट की माने तो एनवीडिया की हैसियत यूनाइटेड किंगडम के बराबर है। यूके की कुल जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर है। अक्टूबर के आंकड़े के अनुसार भारत की जीडीपी 3.94 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि एनवीडिया से थोड़ी ही ज्यादा है। दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था को छोड़ दें तो बाकी देशों की कुल जीडीपी एनवीडिया से कम है। एनवीडिया से आगे सिर्फ 5 देश हैं, अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और भारत। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया की जीडीपी को अगर मिला दें फिर भी एनवीडिया इससे आगे खड़ी दिखाई देती है। और तो और, एक एनवीडिया के भीतर 3 सऊदी अरब समा सकते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा तो अब लग ही रहा होगा कि भला 3.53 ट्रिलियन डॉलर होते कितने हैं। चलिए कुछ और तुलना कर लेते हैं। भारत की सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी है TCS, जिसकी ताजा वैल्यूएशन 15 लाख करोड़ के करीब है। एनवीडिया से तुलना अगर हम करें तो एक एनवीडिया में 23 TCS समा सकती है। मुकेश अंबानी की रिलायंस से अगर हम तुलना करें तो इसमें 40 रिलायंस समा सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि एनवीडिया है क्या और क्या काम करती है। तो एनवीडिया कॉर्पोरेशन एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि GPU के डिजाइन और निर्माण के लिए जानी जाती है। शुरुआती दौर में ये पहले गेमिंग प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी के तौर पर जानी जाती थी, लेकिन ये चिप निर्माण से जुड़ी दिग्गज कंपनियां बन चुकी है। OpenAI और ChatGPT जैसे AI मॉडल्स को ट्रेनिंग देने के लिए एनवीडिया के चिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको क्या समझ आया इस पूरे वीडियो में, कितना होता है ट्रिलियन डॉलर, क्या है एनवीडिया? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या समझ आया। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी नहीं।